और मैं कहता हूँ कि जब मुसलमान सारा महीना रोज़े रखें, तरावी भी पढ़े और नमाजें भी अदा करें, और ईद के दिन फजर के वक्त मस्जिद में नमाजी ना मिले, जोहर के वक्त आधी सफ हो, तो शैतान तो बड़ा खुश होता होगा, वो तो बड़ा राजी होता होगा कि ये पढ़ते थे नमाजें और तरावी और क्या क्या करते थे, पता चला ना कि इनके अंदर कुछ भी नहीं उतरा और ये जहां खड़े थे उससे भी नीचे लुढ़क के आ गए। तो शैतान को कभी खुश ना होने देना। अल्लाह के हुजूर सरखुरुई और कामयाबी के लिए दुआ मांगते हुए माहे सियाम से रुखसत हूँ। ये घड़ियां अल्लाह ने नसीब की, गिनती के दिन इन्हें कहा गया, तो ये गिनती के दिन यूं ही बीत जाते हैं और इसी तरह पूरी जिंदगी बीत जाती है। और फिर जब आंख बंद होती है तो फिर आंख खुलती है कि हम जिंदगी कहाँ गुजार दें। तो आइए इन लम्हों